ती जिन्नी दिल्ली जिंकली महाराष्ट्र हा जिंकूया राजाला समृद्ध कराया कमळ निवडून देऊया भाजपाच्या नव्या रूपाला छत्रपतींचा आशीर्वाद भाजपाच्या नव्या रूपाला छत्रपतींचा आशीर्वाद एक मुखाने चला देऊया आता मोदी जिंना साथ एक मुखाने चला देऊया आता मोदी जिंना साथ नमस्ते मैं दीपाली कापड़िया भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभाग क्रमांक 8 से महानगर पालिका के चुनाव लड़ने आपके बीच आई हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मैं कोई बड़ी राजनेता की लड़की नहीं हूँ। आपके अपनेपन के अलावा मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। मैं 5 वर्षों तक आपके बीच में रहकर आपके सुझाव लेकर आपका साथ लेकर प्रभाग का सर्वांगीण विकास करना चाहती हूँ। मुझे और मेरे पूरे पैनल को आपके आशीर्वाद के रूप में आपके कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाए। चप्पा चप्पा भाजपा। मतदान करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। मेरी आपसे विनंती है, देश के विकास के लिए आपका बहुमूल्य वोट बहुत ज़रूरी है। गट अ से मैं स्वयं सौ दीपाली कापड़िया, गट ब से सौ वैशाली रकवी जी, गट क से सुशील अग्रवाल जी, गट ड से सुरेश खंडेलवाल जी। हमारा चिन्ह है कमल का फूल। हम सभी को बहुमत से विजयी करिए, हमारे पूरे पैनल को वोट दीजिए। नमस्कार, मी वैशाली गजेंद्र रकवी भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 8 मधून निवडणूक लढवत आहे। तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही माझ्यापर्यंत पोचवा, मी माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर तुमचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीन। आपल्या एरियातले जे काही गटारं भरतात, रस्ते जे काही खराब झालेले आहेत, त्या ज्याच्या काही समस्या आहेत ते तुम्ही मला सांगा, त्या पूर्ण करायचा मी प्रयत्न करेन। येत्या 20 ऑगस्टला मतदान आहे, जी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे। आपण सर्व कमळ या चिन्हासमोरील बटन दाबून आमच्या पॅनलला प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल, मीरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 8 क से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं समाज सेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। आप सभी के विश्वास और भरोसे के बदौलत ही मुझे इस प्रभाग से उम्मीदवारी मिली है। मेरे साथ में प्रभाग क्रमांक 8 अ से सौ दीपाली कापड़िया, ब से वैशाली रकवी, क से मैं स्वयं डॉक्टर सुशील अग्रवाल और प्रभाग क्रमांक ड से श्री सुरेश जी खंडेलवाल, इन सभी उम्मीदवारों को कमल के निशान पे बटन दबा के भारी बहुमत से जीत के लाना अब आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, 20 अगस्त रविवार मत का अपना उपयोग कीजिए, अपने मत का उपयोग कीजिए। याद रखिए, मतदान आपका अधिकार है, इसे जरूर निभाना है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से लाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे प्रिय मतदाता भाई और बहनों, पिछली बार आपने मुझे सेवक के तौर पर चुना और मैंने सेवक के शब्द को सार्थक करने की पूरी पूरी कोशिश की। आपने मुझे जो अपनी सेवा का मौका दिया, मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। ना मैंने दिन देखा, ना मैंने रात देखी, और जब जब मुझे आप लोगों ने जो जो काम बोले या जो जो सेवा करने का जो मुझे अवसर दिया, मैंने उसको अपनी पूरी निष्ठा और लगन से उसको पूरा किया। और इसी कड़ी में इस बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभाग क्रमांक 8 से बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से पिछली बार आपने मुझे जो सेवा का मौका दिया, आप फिर से मुझे उसी तरह से सेवा का मौका फिर से प्रदान करेंगे। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी जाकर वोटिंग जरूर करेंगे, क्योंकि ये मतदान का जो अपना अधिकार है उसका इस्तेमाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और इसके ऊपर आप चरितार्थ करके आप सभी वोटिंग करने जरूर जाइएगा। मेरा आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप मुझे फिर से सेवा करने का मौका दें। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आने वाली 20 तारीख को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, और इस चुनाव में मेरे साथ में मेरे पैनल से अ से दीपाली जी कापड़िया, ब से वैशाली जी रकवी, क से डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल और ड से मैं स्वयं इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं। आप सभी कमल के आगे का बटन दबाकर
भारतीय जनता पार्टी के पैनल के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाए और मीरा भाईंदर के विकास में अपना योगदान दे। धन्यवाद। भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। आपका वोट सिर्फ किसी को पराजित करने के लिए नहीं है, आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए है। लोकतंत्र की मांग है हम जाति बिरादरी से ऊपर उठें, संप्रदायवाद से ऊपर उठें, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं आपने शासक बहुत देख लिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया हूं कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है। और मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर एक बार आपको मैं मतदान करने के लिए प्रार्थना करता हूं। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की जय। अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार। प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये आज आपण भेटतोय सौ दीपाली कापडिया मॅडमशी। यांना काही आपण यांच्याशी काही चर्चा करूया, यांच्या प्रभागाबद्दल, यांच्या वार्डाबद्दल, तिथल्या समस्येबद्दल। मॅडम, आम्हाला एवढं विचारायचं आहे की ज्या प्रभागामध्ये तुम्ही निवडणूक लढवत आहात त्या प्रभागातल्या सर्व समस्या तुम्हाला माहीत आहेत का? हो, माहीत आहेत, कारण की 11 वर्षापासून मी ह्याच प्रभागात राहत आहे, त्यामुळे मला इकडच्या सगळ्याच समस्या माहीत आहेत आणि कुठे काय आहे, कुठे काय नाही आहे, काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळेच मला माहिती आहेत। कारण की मी लास्ट 3 महिन्यापासून सर्वे पण चालू आहे आमचा, कारण की वॉर्डामध्ये निवडणुका येणार आहेत, त्या हिशोबाने आम्हाला सर्वेवर पण लावलं होतं। तर ज्या समस्या आहेत थोड्याफार, अशा फारशा काही समस्या नाही आहेत, कारण की आमचा पूर्ण डेव्हलप आहे आमचा जो प्रभाग आहे तो। पण जो रिडेव्हलपिंगचा जो एरिया आहे, ज्या जुना इमारती आहेत वगैरे, त्या ठिकाणी थोडेफार समस्या आहेत, सफाई साफसफाई किंवा पाणी गटराच्या ह्या सगळ्या समस्या आहेत। तर त्याचं निवारण कसं करायचं, काय आहे, त्याचे पण मी चांगले प्लान्स करून ठेवलेले आहेत आणि त्याचं मी नक्कीच निवारण करणार आहे। थोडक्यात मॅडम, सौ दीपाली कापडिया ज्या वार्डात उभ्या आहेत त्या वार्डातच साधारण 11 वर्षापासून त्या आहेत आणि त्यांना तिथल्या समस्यांचं सगळी माहिती आहे आणि त्यांनी या ठिकाणी त्या वचनबद्ध झाल्यात की त्या सर्व समस्यांसाठी त्यांच्याकडे एक मास्टर प्लॅन तयार केला त्यांनी आणि ते निवडून आल्यानंतर त्यावरती अंमलबजावणी करतील। मॅडम, आम्हाला दुसरा एक प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या ज्या समस्या आहेत किंवा हे जे डेव्हलपमेंट आहे किंवा नवीन प्रकारची काही डेव्हलपमेंट आहे त्यासाठी कुठल्या प्रकारचा प्लॅन आहे आणि समस्या थोडक्यात कशा निवारण करता येतील, पूर्वी काही राहिलेल्या समस्या आहेत का याबद्दल थोडंसं डिस्कशन करा आणि त्याचबरोबर महिलांसाठी तुमच्यासाठी काही तुमच्याकडे काही प्लॅन्स आहेत का हे सुद्धा जनतेला सांगा। बघा, आता सध्या आमच्या पक्षाने फार काही डेव्हलपमेंट इकडे सुरू केले आहेत, म्हणजे 25 वर्षामध्ये जे नाही झालं ते 25 महिन्यामध्ये आमच्या पक्षाने केलं आहे इकडे। जसं मेट्रो येणार आहे आपल्या इकडे आणि पाण्याची लाईन, जसं पाणी तसं सध्या आमच्या पक्षाने फार काही डेव्हलपमेंट इकडे करायला सुरुवात केलेली आहे। जसं सिमेंटीकरण रोड जे आहेत ते सुरू झाले आहेत, पावसाळ्यामुळे थोडेसे काही थांबले आहेत कारण की पाऊस आहे म्हणून। आणि जसं आमच्या वॉर्डमध्ये नाही म्हणजे पूर्ण मीरा भाईंदरमध्ये 48 तासामध्ये एकदा पाणी यायचं, तर आमच्या पाण्याच्या खूपच समस्या होत्या, पण आमच्या पक्षाने तेही प्रयत्न करून त्या थोडा कमी झाल्यात। आता 24 तासामध्ये एकदा पाणी येतं, कधीकधी 2 वेळा पण येतं। आणि मेट्रो येणार आहे आपल्या इकडे, तर ते तर सगळं आहेच, आमच्या पक्षाने सुरुवात केलेलीच आहे। ट्रॅफिकच्या पण काही समस्या आहेत, त्याचं निवारण करावं लागणार आहे, आणि पार्किंगचं पण खूप समस्या आहेत, त्याचं पण निवारण करावं लागणार आहे। तर ह्याचे सगळे मी पक्षासमोर ठेवणार आहे। आणि मोदीजींचं जे स्वप्न आहे स्वच्छ भारत अभियान, मी माझं असं मंतव्य माझी अशी इच्छा आहे की मीरा भाईंदर हे शहर महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या नंबरवर आलं पाहिजे स्वच्छता एक मिनिट हे हां स्वच्छतेच्या बाबतीत मीरा भाईंदर हे शहर पहिल्या नंबरवर आलं पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये, अशी माझी इच्छा आहे आणि त्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करणार आहे।
निश्चितच मॅडमने जे स्वप्न दाखवलेलं आहे सुंदर शहर त्यासाठी आमच्यासुद्धा शुभेच्छा आहेत. मॅडम आम्हाला एक प्रश्न होता, ही जी समाजसेवेची जी प्रेरणा आहे ती तुम्हाला कुठून मिळाली? कसं आहे, मी जेव्हा लहान होती ना तर मला माहीत आहे की माझे जे आजोबा, माझे वडील, माझे काका हे सगळे राष्ट्रीय सेवा संघाचे कार्यकर्ता होते. तर आमच्या घरी असं लहानपणी सगळं असाच सगळा माहोल होता. आणि त्यानंतर बेसिकली मी आहे गुजराती, गुजरातमधून बिलॉंग करते. तर जेव्हा आम्ही पहिल्याचं गुजरात बघितलं आहे, आज 15 वर्षापूर्वीचं गुजरात सगळ्यांनाच माहीत आहे ते कसं होतं. म्हणजे सुरतमध्ये तर प्लेग वगैरे तर खूपच होते तेव्हा तिकडे. आणि आत्ताचं तुम्ही गुजरात जाऊन बघा, आत्ताचे विकास बघा, जे आपले जे पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी, जे तिकडे जेव्हा CM होते त्यांनी जे डेव्हलपमेंट 15 वर्षामध्ये आता इकडे केले आहेत गुजरातमध्ये, ते बघून मी खूपच प्रभावित झाली होती. आणि मी तेव्हा नेहमी म्हणायची की आपले जे मोदीजी आहेत, गुजरातचे CM आहेत, ह्यांच्यासारखा माणूस आपला पंतप्रधान व्हावा. आणि म्हणजे ते एक स्वप्न होतं माझं की असा एक व्यक्ती आमचा पंतप्रधान व्हावा की जो पूर्ण देशासाठी जे त्यांनी जे गुजरातसाठी केलं आहे ते पूर्ण देशासाठी व्हावं असं माझं स्वप्न होतं. आणि कुठे ना कुठे ते स्वप्न पूर्ण झालं. तर त्यामधून मला अजून प्रेरणा भेटली की जर आता एक व्यक्ती एक राज्य जे आहे त्याचा विकास एवढा चांगला करू शकतो आहे, आता तो आपल्या देशासाठी हा पूर्ण विकास करण्यासाठी इकडे आला आहे, तर मी माझं थोडंसं काही कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्यामध्ये देऊ. आणि मी पूर्ण राज्यासाठी नाही, पूर्ण देशासाठी नाही, पण कमीत कमी माझ्या शहरापासून तर सुरुवात करू शकते. आणि त्याच्यामध्ये मी माझ्या शहरासाठी काहीतरी करू. आणि जसं मी गुजरातमध्ये आम्ही जेव्हा जातो तेव्हा मी बघते तिकडे की रात्री 12 वाजता कर्मचारी, साफसफाई कर्मचारी जे असतात ते रस्त्यावर असतात. तर जसं तिकडे साफसफाई होते, तिकडे स्वच्छ भारतचे अभियान मी तुम्हाला पहिले पण म्हटलं होतं, तर हे पण आमच्या शहरामध्ये व्हावं असं मला वाटतं. आणि असे खूप काही विकास आहेत जे माझ्या मनामध्ये आहेत, ते मी करणारच आहे नक्की. त्याच्यासाठी माझे प्रयत्न मी पूर्ण करणार आहे. माझं एक स्वप्न हे आहे की जसं गुजरात राज्य झालं आहे तसं माझं शहर व्हावं. आणि ते विकासाच्या दृष्टीने मी सांगत आहे आणि ते स्वप्न मी नक्कीच पूर्ण करेन. मला असं वाटतं की विकासाच्या दृष्टीने जे गुजरातमध्ये डेव्हलपमेंट झाले आहेत तसेच विकास मिनी गुजरातच्या स्वरूपाने माझ्या शहरात झाले पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. अतिशय सुंदर स्वप्न आहे सौ दीपाली कापडिया मॅडमचं. त्यांनी डेव्हलपमेंट पाहिलेली आहे, 15 वर्षापूर्वी गुजरात कसं होतं आणि आता गुजरात कसं आहे यांनी स्वतः अनुभवलेलं आहे. आणि त्यांचं स्वप्न आहे की आपलं शहरसुद्धा या पद्धतीनंच या तत्वावरती डेव्हलप व्हावं, सुंदर व्हावं आणि भारतात आपलं हे शहर भाईंदर शहर, मीरा भाईंदर शहर नंबर 1 क्रमांकावर जावं हे त्यांचं स्वप्न आहे. निश्चितच आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा आहेत हे त्यांचं स्वप्न पूर्ण होईल. धन्यवाद. नमस्कार. प्रभाग क्रमांक 8 आपल्यासोबत आहेत सौ वैशाली रखवी. आपण यांच्याशी थोडासा संवाद करूया आणि जाणून घेऊया की यांच्या वार्डामध्ये कुठल्या प्रकारच्या समस्या आहेत आणि महिलांना कुठल्या प्रकारच्या समस्या सोसाव्या लागतात आणि त्यावरती कशा प्रकारे मॅडम निवारण करतील किंवा त्या सोडवतील हे आपण थोडंसं डिस्कशन करूया. मॅम, कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या समस्या आपण फेस करताय किंवा महिला तुमच्या वार्डामध्ये फेस करताय ते प्रॉब्लेम थोडक्यात जनतेला सांगायचं आपण? आमच्या प्रभागामध्ये फारसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आमच्या प्रभागामध्ये ज्या जुन्या बिल्डिंगी आहेत तिथे थोडेसे प्रॉब्लेम आहेत, त्यामुळे पावसाळ्यात लोकांच्या घरामध्ये पाणी भरणं, थोड्याफार संरक्षणाच्या समस्या आहेत, चोऱ्या होणं, त्या संरक्षणाकरता आम्ही काही उपाय करू. ठीक आहे, अशा प्रकारे मॅडमला काही समस्या माहिती आहेत. तर ह्या होत्या प्रभाग क्रमांक 8 सौ वैशाली रखवी आणि यांनी आपल्याला ज्या अडचणी होत्या त्या अडचणी कशा प्रकारे अडचणी आहेत आणि त्या अडचणी कशा सोडवायच्या याबद्दल आपण यांच्यासोबत आता संवाद केलेला आहे. धन्यवाद मॅडम. नमस्ते. वार्ड क्रमांक 8 डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी हमारे साथ है. हम इन्हें पूछेंगे कि किस तरह से आप इससे पहले जब वो स्वीकृत उम्मीदवार थे उन्होंने क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट किए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. सर, इससे पहले आपने क्या क्या काम किया है समाज के लिए और सिटी के लिए? देखिए, स्वीकृत नगर सेवक के रूप में मेरे पास में कोई एक स्पेशल कोई प्रभाग नहीं होता था, पर सार्वजनिक सभी समाज के विकास के लिए
सबसे पहले तो हमने जो मीरा भाईंदर के अंदर जो मंगल कार्यालय है भाईंदर पश्चिम में नगर भवन, उसका हमने निधि से जीर्णोद्धार कराया। काफ़ी लोगों को परेशानी थी और कम पैसे के अंदर लोगों को उपलब्ध हुआ, जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा है। उसके बाद में ई लाइब्रेरी जो है बच्चों के पढ़ने के लिए, रात को पढ़ने के लिए 24 घंटा हमने लाइब्रेरी के यहाँ पे शुरुआत की, और ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत अभी इधर की है। इसके बाद में मीरा भाईंदर पश्चिम में जो एक श्मशान भूमि, हिंदू श्मशान भूमि, उसका जब भी जीर्णोद्धार हुआ, उसके रूप में सक्रिय रूप से भाग करके अपने उसमें सजेशन भी हमने रखे। डॉक्टर होने के नाते जो टेंबा हॉस्पिटल पंडित भीमसेन जोशी जो अस्पताल शुरू हुआ है, उसके अंदर भी हमने काफ़ी सुधारणा करते हुए उनको जहाँ आवश्यक हो वहाँ अपनी राय देके वहाँ भी काफ़ी सुधारणा और सुचारू रूप से चलाने में अपनी मदद की है। तो इस तरह से डॉक्टर अग्रवाल साहब ने हमें कहा है कि इनका जो दायरा है, काम करने का दायरा जो पिछली बार जो था वो पूरा शहर था, अभी वार्ड क्रमांक 8 से डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी खड़े हैं और उनको एक दायरा मिला है जो डेवलपमेंट के लिए। तो निश्चित ही स्वरूप से ये ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे और उन्हें जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करवा के देंगे। हमें जनता को ये पूछना है सर, अगर विकास के बारे में अगर सोचा जाए तो आप किसे आइडल समझते हैं आपका, कि जो विकास प्रिय है और उनको उनका आदर्श लेके आप काम करना चाहते हैं आगे भविष्य में? देखिए, विकास पुरुष तो पूरे विश्व में अभी एक ही है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, और उनके पद चिन्हों पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस चल रहे हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे लोकप्रिय आमदार माननीय श्री नरेंद्र जी मेहता चल रहे हैं, और हम इन्हीं तीनों को हमारा आदर्श मानते हैं, और इन्हों के जो विकास कार्य मीरा भाईंदर में कर रहे हैं वही दृष्टि से, उसी तरह से, उसी सोच के साथ में हमारे प्रभाग काम विकास करने के लिए कटिबद्ध है सर। धन्यवाद सर। जैसे कि आप सबको पता है सारे विश्व के एक आइडल बने हैं हमारे मोदी जी, और सर ने भी उन्हीं का नाम लिया है, उनके ही आदर्श पे, उनके ही उनको आइडल समझकर ये विकास का ही काम आगे करने वाले हैं। हम भी पूछना चाहते हैं सर, आप जिस वार्ड में खड़े, वार्ड क्रमांक 8 में, किस तरह की समस्याएं सारे लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में, और उसका निदान किस टाइप से आप करने वाले, किस तरह से आप निदान करने वाले, ये ज़रा जनता को बताइए। देखिए साहब, वह प्रभाग क्रमांक 8 है, ये दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। कुछ तो यहाँ पे नई बिल्डिंगें बनी जो पिछले 10 साल के अंदर जो बिल्डिंगें आई है, और कुछ ऐसे एरिया है जो 25 से 30 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो लेवल पे सी लेवल के हिसाब से कुछ नीचे की तरफ है। तो जो ठाकुर गली, बेकरी गली और स्टेशन रोड की जो बिल्डिंग है वहाँ पे काफ़ी जगह पे ड्रेनेज की समस्या है, पानी भराव, थोड़ी सी बारिश हुई पानी भराव की समस्या रहते हैं, जो खुले प्लॉट है उसमें फिलिंग हो जाती है और यहाँ पे पानी भर जाता है। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर विशेष रूप से मैं काम करना चाहूँगा कि पानी भराव की समस्या उस एरिया में नहीं हो, और इसी एरिया की बहुत सी बिल्डिंगें जो अभी रीडेवलपमेंट में जाएंगी, कई बिल्डिंगों का ऐसा लैंड कन्वेंस नहीं हो पाया, तो इसीलिए भी हम विशेष प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र सरकार भी इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में सोच रही है, हमारे आमदार साहब भी बहुत ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि सोसाइटी के नाम से किसी भी तरह से कन्वेंस हो जाए तो उन्हें लैंड कन्वेंस के लिए आगे कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी समस्या जो थी, जो अभी नई जो बिल्डिंगें बनी हैं उनके लिए आने जाने के लिए पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या जो होती है, अभी पानी की समस्या तो काफ़ी हद तक अगले 10 साल के लिए पानी की समस्या तो रहने वाली नहीं है। बहुत ही पानी हमारी सरकार ने यहाँ पे मीरा भाईंदर के लिए उपलब्ध करा दिया, 10 साल तक लोगों को पानी की समस्या नहीं आएगी, इसका पूरा इंतजाम कर दिया है साहब। नमस्कार, प्रभाग क्रमांक 8 में हम मिलने जा रहे हैं सुरेश खंडेलवाल जी से। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह की समस्या है और किस तरह से इन्होंने पिछले टर्म में जब ये चुन के आए थे उन्होंने किस तरह से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा सर, आपके वार्ड में कुछ अभी कुछ समस्याएं बाकी है, आपके वार्ड में कुछ सुविधा अभी बाकी है जिसके लिए जो हम जनता को बता सकते हैं? देखिए, पहले वार्ड में 5 साल पहले जो भी समस्याएं थी काफ़ी हद तक मैंने इस टर्म में उनको पूरी पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ समस्याएं जो बाकी हैं, जैसे कि मुझे मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की एक समस्या है, डेवलपमेंट एरिया है, इसके लिए ट्रैफिक की जो समस्या है एक तो उसका निराकरण करना है। उसके अलावा मेरे वार्ड के अंदर जो एक फेरी वालों की जो समस्या है उसके लिए थोड़ा सा जो है ना अभी आगे उसके लिए भी थोड़ी सी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए कोई भी एक्टिविटी के लिए नज़दीक में कोई केंद्र नहीं है,
उसके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह इस तरह की कोई भी योजना, वो हमारे भाईंदर वेस्ट के लिए करने की योजना, उस पर भी काम करना है। तो ऐसे छोटी मोटी समस्याएं, वैसे 5 साल पहले बहुत सारी समस्या थी यहाँ पे मेरे वार्ड में। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं था, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, कुछ भी इस तरह की लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, गार्डन नहीं थे। लेकिन 5 साल के काम में मैंने बहुत कोशिश की, और मेरे 5 साल पहले मेरे वार्ड में सब जगह टैंकर आते थे। आज मेरा वार्ड 80%, ये जो वार्ड है प्रभा क्रमांकन, 80% टैंकर मुक्त हो चुका है। 24 घंटे पानी की योजना जो अभी आगे आने वाले समय में, वो भी उस पर भी काम चल रहा है। तो मोस्टली सारी समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर जरूर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से खंडवा सर ने कहा है कि बहुत सारी समस्या जो है 5 साल पहले ही सर ने सॉर्ट आउट की है, लेकिन जो भी अभी समस्याएं आ रही है जनता के पास, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए तत्पर यह है। हमारा दूसरा जो प्रश्न है सर, पक्ष के तरफ से आप खड़े हैं, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पक्ष की तरफ से खड़े, बीजेपी की तरफ से खड़े, तो पक्ष का क्या है, पक्ष का क्या प्लान है सिटी के लिए, कि किस तरह से सिटी का वो प्लान करना चाहते हैं या उनका क्या ख्वाब है, वो हमें थोड़े दो मिनट में बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर जो काम किए हैं, पिछले 25 सालों के अंदर कांग्रेस एनसीपी की सत्ता में कुछ भी काम नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सा फंड मीरा भाईंदर के लिए हमारे आमदार नरेंद्र जी मेहता के प्रयासों से, और सीएम देवेंद्र जी फडणवीस जी ने मीरा भाईंदर के लिए विकास के लिए जितना फंड अभी पिछले 2.5 सालों में दिया है, आज तक इतने सालों में कभी नहीं हुआ। और बहुत सारी विकास की योजनाएं मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो भी चल रही हैं, जैसे कि आप देखेंगे मीरा भाईंदर पहले जो था उसमें बहुत सारा परिवर्तन मीरा भाईंदर में भी आ चुका है, और आने वाले समय में बहुत सारा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। जैसे आप चाहे मेट्रो की बात ले लो, चाहे सीसी रोड की बात ले लो, चाहे पानी की बात ले लो, 75 MLD जो पानी अभी शुरू हुआ है, मीरा भाईंदर की अनगिनत बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद में आई हैं, और आने वाले 2.5 से 3 साल में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाईंदर की जो तस्वीर है पूरे महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर एक अलग नज़रिए से लोग मीरा भाईंदर को देखेंगे। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की। चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे, मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। की बार मोदी सरकार। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नौजवान को कौमवाद का जहर कोई पीला नहीं सकता है। इस देश का जवान एक ही भाषा समझता है,
एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आराधना करता है, वो मंत्र है, वो सपना है, विकास विकास और विकास।